नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रशांत। लोकसभा चुनाव की तारीखों का भले ही ऐलान ना हुआ हो, लेकिन सभी पार्टियों ने अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। वहीं बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट की घोषणा शुरू कर दी है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 195 नामों का ऐलान किया जा चुका है। वहीं बीजेपी ने मथुरा सीट से एक बार फिर बॉलीवुड एक्ट्रेस हेमा मालिनी पर भरोसा जताया है। पीएम मोदी ने हेमा मालिनी को तीसरी बार मथुरा सीट से अपनी उम्मीदवार घोषित किया है। हेमा मालिनी की जबरदस्त पॉपुलैरिटी को देखते हुए मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव 2024 में उम्र का बंधन खत्म कर दिया है। दरअसल बीजेपी की नीति के अनुसार 75 साल से ज्यादा उम्र के सांसद और नेता चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन इस बार मोदी सरकार ने अपना ये नियम तोड़ दिया है। बता दें कि हेमा मालिनी उम्र के 75वें साल में कदम रख चुकी हैं। कहा जा रहा था कि पार्टी इस बार उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाएगी। राजनीति के गलियारों में इस तरह की खबरें जोरों पर थी कि पार्टी इस बार किसी और चेहरे को मथुरा की सीट से उम्मीदवार घोषित करेगी। ऐसी भी खबरें आई थी कि बीजेपी हेमा मालिनी की जगह कंगना रनौत को इस सीट से चुनाव लड़ाने की सोच रही है, लेकिन बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट की घोषणा कर सभी को चौंका दिया। ये हेमा मालिनी की पावर का ही कमाल है जो बीजेपी को अपने फैसले के विरुद्ध जाना पड़ा। हेमा मालिनी की मथुरा में तगड़ी पकड़ है। वो साल 2014 और 2019 में मथुरा सीट से लोकसभा चुनाव जीत चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ पिछले साल जब मथुरा में ब्रज रज उत्सव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी पहुंचे थे, तब हेमा मालिनी की लोगों में कितनी पॉपुलैरिटी है उसे अच्छे से भांप गए थे। इस दौरान हेमा मालिनी ने मीराबाई के जन्मोत्सव कार्यक्रम में डांस प्रस्तुति भी की थी। हेमा की प्रस्तुति देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ पहुंची थी। मथुरा में हेमा मालिनी काफी मजबूत है। यही वजह है कि बीजेपी ने अपनी नीतियों को साइड में रखते हुए हेमा मालिनी को मथुरा से उम्मीदवार घोषित कर दिया। हेमा मालिनी को तीसरी बार मथुरा सीट से उम्मीदवार बनाने के पीछे चार लोगों का हाथ बताया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की वजह से हेमा एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरने वाली है। बता दें कि हेमा मालिनी ने पार्टी के इस फैसले पर खुशी जाहिर की है। हेमा मालिनी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का शुक्रिया किया है। हेमा ने खुशी जताई है कि पार्टी के इन दिग्गजों ने उन पर एक बार फिर से भरोसा जताया है और उन्हें टिकट दिया है। तीसरी बार मथुरा से लड़ने के लिए टिकट दिया है, और क्योंकि मेरी दिल्ली ख्वाहिश थी कि मैं बहुत कुछ करूं, इधर काफ़ी किया है पहले 5 साल में, सेकंड 5 साल में भी और भी बहुत बढ़िया और भी काम किया, अभी तीसरी बार है तो आई हैव टू डू मच मोर बिगर वर्क आई हैव टू डू सो दैट मथुरा का स्थल एकदम ऊपर और भी ऊपर जाए। वो तो है ही ऊपर, कृष्ण की नगरी है, तो आई हैव टू डू मच मोर देन व्हाट आई डिड। किसको धन्यवाद कहेंगे इस? मैं धन्यवाद हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री को देती हूँ, देन अमित शाह जी को, देन नड्डा जी हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, और हमारे मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी को। इन लोगों ने मुझ पर विश्वास रखकर मुझे वापस टिकट दिलाया है, तो मुझे ब्रजवासियों को वापस उनके लिए सेवा करने का अवसर मिला है। क्या नया क्या करेंगे इस मौके पर? नया बहुत कुछ करेंगे, आप देखिए अभी क्या क्या करेंगे। बताते चले कि हेमा मालिनी ने इससे पहले लोकसभा चुनाव लड़ने पर कहा था कि अगर आला कमान चाहेगी तो वो चुनाव लड़ेंगी। हालांकि तब हेमा मालिनी ने एक शर्त भी रखी थी। दरअसल एक बातचीत के दौरान हेमा मालिनी ने कहा था कि 2024 का लोकसभा चुनाव वो तभी लड़ेंगी जब पार्टी उन्हें मथुरा सीट से उम्मीदवार घोषित करेगी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। लगता है हेमा मालिनी की इस शर्त को ध्यान में रखते हुए सीएम योगी और पीएम मोदी समेत पार्टी के दिग्गजों ने ये फैसला लिया है और उन्हें मथुरा की सीट से उम्मीदवार घोषित कर दिया है। खैर, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि क्या हेमा मालिनी एक बार फिर से मथुरा की सीट से चुनाव जीतती है या नहीं। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।